प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जहां एक तरफ भारत में दियोबंद वाले गजवा हिंद का फतवा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में तो चीफ जस्टिस के खिलाफ ही फतवा निकल गया है। तो इसी इंटरेस्टिंग मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। एज अ लॉयर आप कैसे देख रहे हैं कि उन्होंने ये बोला है कि सबसे पहले जो है वो किसी भी मुल्क का आईन होता है, उसके बाद में रिलीजन होता है, तो उसके ऊपर बहुत तनकीद हो रही पाकिस्तान में उनके कि सबसे पहले इस्लाम होना चाहिए, आईन और बाकी चीजें जो है मुल्क है वो बाद में होता है। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है कि ये पाकिस्तान और इंडिया के मुसलमान ये सारी चीजों को क्यों पहले मजहब में ले आते हैं और आइन और जो कंट्री है उसको बाद में ले जाते हैं, और गजवा हिंद के बारे में जो एक जैसे कि आपने देखा फतवा दिया गया है, ये बैठे बैठाए उन्हें क्या जरूरत थी इस तरह की दोबारा से एक बात को छेड़ने की? ये दोनों चीजों को मैंने मिक्स कर दिया, आप देखें कैसे आपने इसको हैंडल करना है। पहले मैं आपके पाकिस्तान के बारे में बात कर देती हूँ। मैंने चीफ जस्टिस का वो इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा कि उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर पहले है और इस्लाम बाद में है। मेरे लिए लॉ एंड ऑर्डर पहले है और इस्लाम मेरे घर के अंदर है। जिस वक्त मैं मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ती हूँ उस वक्त मैं मुसलमान होती हूँ, पर जिस वक्त मैं गाउन पहन करके अपने यूनिफॉर्म में मैं बाहर निकलती हूँ या देश की पुत्री बन करके मैं बाहर निकलती हूँ, तो उस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ इस देश की पुत्री होती हूँ, इस देश की बेटी होती हूँ। और मुझे लगता है कि मुसलमानों को पहचानने के लिए मेरे भारत में मेरी एक सलाह काफी है। मुसलमान भारत के अगर खड़े हो जाए और उनसे सिर्फ बोलिए कि वंदे मातरम बोल दो, जो नहीं बोला मतलब उसको भारत से मोहब्बत नहीं है, और जो बोल दिया इसका मतलब है कि उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर और उसके लिए उसकी भारत की धरती पहले है। ये मैंने बहुत अच्छा एक मंत्र निकाला है जिहादी दिमाग के मुसलमानों को पहचानने का, और एक एक झटके में जिहादी दिमाग के मुसलमान पहचान में आ जाते हैं, उनको मतलब इंडिकेट आराम से कर लिया जाता है। देखिए मुजफ्फर भाई, आपके चीफ जस्टिस ने बहुत खूबसूरत बात कही पाकिस्तान के कि उनके लिए आयन पहले है, कानून पहले है और इस्लाम बाद में है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि कानून के अंदर रहने से, कानून के अंदर बैरिकेड रहने से बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज जो होती हैं वो देश की खत्म होती है। उसमें कहीं ना कहीं एक डर आता है कि हम किसी का मर्डर करेंगे तो हम जेल जाएंगे, हम किसी का बलात्कार करेंगे तो हम जेल जाएंगे, हम चोरी करेंगे तो हम जेल जाएंगे, हम झूठ बोल करके किसी का बुरा करेंगे तो जेल जाएंगे, और विभिन्न प्रकार के क्राइम से और टेररिज्म माइंड से इंसान परे रहता है, दूर रहता है, अगर कानून का डर कलेजे में होता है तो। अब बात आती है कि वहीं पर फिर आपके एक धर्म के ठेकेदार आकर के अपनी बयानबाजी करने लगे। मुझे तो समझ नहीं आता है कि अल्लाह और बंदे के बीच में दल्ले की जरूरत क्या है। मैं तो आज तक इस बात को समझ नहीं पाई हूँ, मैं तो भारत में भी नहीं समझ पाती हूँ, और पाकिस्तान को खैर छोड़ ही दीजिए, वो तो कब्रिस्तान बनने के लिए अब तो तैयारी हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने अल्लाह तबारक ताला से अगर कुछ मांगना होगा या उनसे कोई अर्जी लगानी होगी या उनसे किसी की शिकायत करनी होगी या मुसल्ला बिछा करके उनके सामने रोना होगा, गड़गड़ाना होगा, तो मैं मुसल्ला बिछाऊंगी और डायरेक्ट अल्लाह से मांगूंगी। मुझे किसी दल्ले की, किसी दलाल की, किसी ब्रोकर की, किसी मिडलमैन की, किसी फरेब की, किसी झूठे की, किसी मक्कार मुल्ला मौलवी और खारी और मुअज्जिन की मुझे जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि देखिए पाकिस्तान कभी भी कानून नहीं मानेगा, इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि बम मारना, गोलियां चलाना, फोड़ना फाड़ना, गला रेतना, अब आपको लगेगा बुरा या सुनने वाले को लगेगा बुरा, क्यों? ओवर द पीरियड ऑफ 3 डेकेड 1000 से ऊपर जर्नलिस्ट आपके यहां मर्डर हुए। क्यों मर्डर किया गया? क्योंकि उन्होंने ऑर्गन ट्रैफिकिंग का
सारा चिट्ठा मिट्टा खोला पाकिस्तान का, क्योंकि उन्होंने मियां मिट्ठू जो कन्वर्शन करवाता है आपके यहाँ उसका चिट्ठा खोलने की कोशिश की। ऑनर किलिंग पर जो मासूम बच्चियों के फेफड़े और गुर्दे काट करके गटर में फेंके जाते हैं उसको बस्ट करने की कोशिश की जर्नलिस्ट ने। इसीलिए 3 डेकेड के अंदर 1000 से ऊपर जर्नलिस्ट को मार करके फेंक दिया गया, जिनके केसेस आपके कोर्ट में भी नहीं चढ़ते हैं। आपके पाकिस्तान में जब मर्द अपनी बेटी का बलात्कार करके बच्चा पैदा करवाता है तो वो कोर्ट में खड़ा होकर के कहता है कि हम निकाह कर लेंगे। हमारे भारत में जब मुसलमान पिता बाप अपनी बेटी का बलात्कार करता है तो वो खड़ा होकर के कहता है, या बहू का बलात्कार करता है तो पंचायत के साथ साथ जो यहाँ के समाज के ठेकेदार है मुसलमान समाज के, ये लोग क्या कहते हैं कि जो पेड़ लगाया था वही फल खाया है। और आपके यहाँ तो कोर्ट में खड़ा होकर के बाप कह देता है कोई बात नहीं हम निकाह कर लेंगे, इसमें क्या है। तो जो अश्लीलता का बाजार मुसलमानों ने खोल करके रखा है वो किसी से अब छुपा हुआ नहीं है। कितने मुंह को बंद किया जाएगा, कितनी जुबानें काटी जाएंगी, कितना गला रेता जाएगा। रेतते रेतते ओसामा बिन लादेन मर गया, रेतते रेतते अजमल खतब मर गया, रेतते रेतते हाफिज सईद के जितने भी चुन्नू मुन्नू थे वो पाकिस्तान की जमीन पर, पाकिस्तान की दहलीज पर उनको गोली दाग दी जा रही है। तो ये जितने लोग जो कत्ल फी सबीलिल्लाह का जो पैगाम पहुंचा रहे हैं, जितने लोग जो औरतों को स्लेव और लौंडियों और बांदियां बनाने का जो पैगाम पहुंचाने का जो ठेका उठा करके रखे हैं, जितने लोग जो अल्लाह के नाम पर लोग हर एक देश में जो वॉयलेंस फैलाने का काम कर रहे हैं, अब तो धीरे धीरे या तो उनको जेल की सलाखों में भेजा जा रहा है या तो उनको वहीं खोद करके कब्रिस्तान बना दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि और कितना, और मुझे लगता है किसी सुकून शांति वाले देश में 2 मुसलमान को भेज दीजिए, दूसरे दिन से कत्ल फी सबीलिल्लाह जिहाद लबैक सुनाई देने लगेगा आपको। ढूंढिए मैप पर कि कौन सा देश है जो बहुत पीसफुल है, बहुत शांति वाला है, बस वहां पर 2 मुसलमान को भेज दीजिए, उसके बाद दूसरे दिन से वो हाईलाइट होने लगेगा और वो वर्ल्ड न्यूज पर और वो सारे न्यूज चैनल्स पर चलने लगेगा। आखिर ये कैरेक्टर मुसलमानों का क्यों है, आखिर ये नेचर मुसलमानों का क्यों है, आखिर ये ऑरा मुसलमानों का क्यों है, आखिर सारे टेररिस्ट मुसलमान ही क्यों होते हैं, आखिर सारे कत्ल करने वाले मुसलमान ही क्यों होते हैं, आखिर सारे गला रेतने वाले मुसलमान ही क्यों होते हैं, आखिर जिहाद के नाम पर बलात्कार करने वाले मर्दों का जिप मुसलमान का ही क्यों खुला हुआ रहता है, लव जिहाद के नाम पर औरतों को बोटियां करने वाला मुसलमान ही लौंडा क्यों निकलता है। बहुत बड़ी बात है ना जी, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत सोचने वाली बात है। जब तक देश या स्टेट डिक्लेयर नहीं करता है तब तक आप ये खूनी खेल नहीं खेल सकते। लेकिन क्या मुसलमान इस बात को मानता है हमारे भारत में या आपके पाकिस्तान में, क्या मुसलमान इस बात को मानता है? नहीं मानता है, बिल्कुल नहीं मानता है। अब मैं आपको भारत के मुसलमान, क्योंकि आपने गजवाए हिंद देवबंद के बारे में बात की है तो अब उस पर आ जाते हैं, अपने कान से सुन लीजिए। कुरान तो खुद कहता है कि तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, कुरान का हुक्म है, ये तो आप इंकशाफ कर रहे हैं। इंकशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान को। अच्छा, कौन सी आयत? अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ टेररिस्ट बनने का हुक्म कुरान हमें कहता है। अच्छा, कुरान क्या कहता है टेररिस्ट बनने का? अल्लाह के दुश्मन, लेकिन अल्लाह वालों के खिलाफ नहीं, नेक लोगों के खिलाफ नहीं। अल्लाह के दुश्मन है, उसका फैसला कैसे होगा सर? यहाँ पर तो APS में आके मासूम बच्चे, सुने आपने मुजम्मत की बात नहीं की, वो आयत मैं पेश कर दूंगा। कुरान कहता है वो आयत दू लहुम मस्तातुम मिनहू, जो तुम्हारी कुव्वत है वो तैयार करो। ठीक है, और मेरी ये बात है सही, उस जमाने में घोड़े थे, आज और चीजें आ गई। और आगे क्या फरमाया? तुरहिबून बिही अदुवल्लाह, जो अल्लाह के दुश्मन है उन्हें क्या करो, डराओ। कुरान तो ये तो बिल्कुल, ये सुनकर तो कोई भी बंदूक उठाएगा और किसी ना किसी को मार देगा। फिर अब बताइए आप, आप अभी मुझसे कह रहे थे तो बिल तो हर देश पास करता है पर मुसलमान रुकते कहाँ है, मुसलमान थमते कहाँ है। उसामा बिन लादेन जब उसने वेस्ट
1996 में जब उसने ट्विन टावर तोड़ा फोड़ा था और काफी उसने टेररिज्म फैलाया था, और जब यूएस आर्मी ने उससे बात किया था तो उसने क्या कहा था कि मेरा कुरान मुझे इजाजत दे रहा है ये करने के, मेरे पास उसकी उसकी उसका स्टेटमेंट है, उसका स्टेटमेंट मैं लेकर के बैठी। क्योंकि होता क्या है ना कि विदाउट प्रूफ जब भी हम कोई बात करते हैं, हालांकि मैं जानती हूँ कि मैं बिल्कुल सत्य के आधार पर बात कर रही हूँ, तो नीचे लोग लिखने देते हैं झुट्टी, ए हिजड़ा जैसे शक्ल वाली, ए मोटे होंठ वाली, ए हिजड़ा, ए आरएसएस की दलाल, ऐसे करके ये बदतमीज जाहिल अनपढ़ बेहुदा बच्चलन आवारा मुसलमान लौंडा लोग और बेहुदा बच्चलन आवारा मुसलमान जिहादन औरतें ये लिखना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये स्टेटमेंट है उसका। मोर रिसेंटली यूएस आर्मी मजनिदल हसन लेक्चर हिज कॉलेज अबाउट जिहाद और होली वॉर एंड द कुरान एक्सहॉर्टेशन ऑफ फाइट अनबिलीवर एंड ब्रिंग देम लो। ये वही बात है जो अभी आपको मैंने सुना। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, जहां पे नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ पाकिस्तान को जमके धोया बल्कि ये जो फतवा गैंग है इनको भी अच्छे से दबोच लिया। और एक बात तो माननी पड़ेगी कि जिहादियों को पहचानने में नाज़िया जी का कोई भी सानी नहीं है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।